नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कुरवाई केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के खिलाफ चलाए जा रहे किसान आंदोलन के तहत 8 दिसंबर को भारत बंद का निवेदन किया गया था। कुरवाई में इस बंद का मिला जुला असर देखने में आया। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसी एकत्रित होकर नगर के मुख्य मार्गों से जुलूस की शक्ल में निकले और व्यापारियों से निवेदन कर दुकानें बंद करवाई। जुलूस के आगे बढ़ते ही व्यापारियों द्वारा फिर से दुकान खोल ली गई। बिना तिराहे पर आकर कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार अनामिका शराफ को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुभाष बोहत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जानकारी मिली है कि कुछ भाजपा नेताओं द्वारा रात में व्यापारियों को फोन कर भारत बंद में समर्थन न देने की बात कही है, इसलिए पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। जो भारत सरकार ने पास किया है ये कृषि कानून किसानों के विरोध में है और बड़े जो व्यापारी हैं और बड़े धंधे वाले हैं, उद्योगपति हैं, उनके पक्ष में ये तीनों बिल गए हैं। इसलिए जो दिल्ली में किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के सारे रास्ते सील हैं और पूरा देश इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए पूरा देश समर्थन कर रहा है। हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे कुरवाई ने भी किया है। समर्थन न मिलने का कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार के दबाव में दुकान वालों को दबाया डराया गया। कल रात को ये पूरी खबरें हैं हमें, और उनको कहा गया कि किसी भी कीमत पे आपको कांग्रेस का समर्थन नहीं करना, क्योंकि किसान आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दुकान वालों के यहाँ पर्सनल फ़ोन लगाकर दुकानें बंद ना करने के लिए उनसे आग्रह किया। इस कारण मिला जुला असर है। हम ये नहीं कहते कि बंद नहीं हुआ है, बंद सफल हुआ है हमारे जाने से, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के जाने से, लेकिन आशातीत जितनी मदद हमें मिलना चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। इतनी सारी विसंगतियां हैं कि किसान बर्बाद हो जाएगा और मंडियां बंद हो जाएंगी, बिचौलियों के हाथ में पूरा कृषि क्षेत्र चला जाएगा, किसान अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर हो जाएगा। इस कारण किसान घबरा कर आंदोलन के लिए उत्तेजित हो रहा है, मजबूर हो रहा है।